अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप ये देखें कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक पेपर की अटेम्प्टेशन और ये नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या है। इंग्लिश के पेपर का मैं बता रही हूँ आपको। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर वन आता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल द बबल्स। ये बबल शीट्स आती होती है, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पहले 5 ऑप्शन हैं ये हमारे पास आएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में आपको 6 एक्सरसाइज वर्ब की दी हुई हैं, कुछ उनकी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करनी है। जैसे शी डैश हर कैट वेरी मच, तो इसमें ये लफ्ज़ आ जाएगा। आप इसको सर्कल लगाएंगे, जब यहाँ टेस्ट होंगे तो आप इसको सर्कल लगाएंगे। लास्ट वाले जितने भी आपके यहाँ पर हाफ बुक और फुल बुक के पेपर्स होते हैं तो उसमें हम आपको बबल शीट देंगे पूरी बोर्ड की बनी हुई। उसके बाद आगे इसमें आता है, चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल द बबल्स। इसमें करेक्ट स्पेलिंग देखिए, आपको ये 6, 7, 8, 9 ऑप्शन है, इसमें आपको स्पेलिंग चूज करनी है। देखिए, जैसे फ्यूरियस की स्पेलिंग ये है, रिलायबल, रिलीव की स्पेलिंग है, मिजरेबल है, तो ये 4 स्पेलिंग आपकी लेसन के दरमियान से भी आती हैं और एक्सरसाइज से भी आती हैं, ठीक है, जो आपका आपको ग्लॉसरी दी हुई है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, अब हर एक जो यूनिट है उसके लास्ट में आपको कुछ सिनोनिम्स की एक्सरसाइज दी हुई है और कुछ आपकी ग्लॉसरी में जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो भी आते हैं, जैसे विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, एस्टॉनिश, सरप्राइज। ये भी कितने ऑप्शन हैं आपके, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 ऑप्शन हैं, 4 स्पेलिंग के और 5 हैं सिनोनिम्स के, ठीक है। स्पेलिंग देखनी, देखिए एस्टॉनिश का सरप्राइज है, पाइपिंग का ट्विटरिंग है, ठीक है, ये रहा आपकी बुक एक्सरसाइज में। ट्रॉपिकल मीन्स, जैसे पहला यूनिट है, ट्रॉपिकल का मतलब वेरी हॉट है, ये आपकी ग्लॉसरी में लिखा हुआ है। अपॉइंटेड, ठीक है, मुकर्रर करना, तो यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्टेड। आगे देखिए, तो ये 15, 16, 17, 18, 19, ये जो आपके 5 ऑप्शन हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में हर लेसन के आखिर में ग्रामर की हेडिंग है, उसी ग्रामर की हेडिंग में जो एक्सरसाइजेज हैं ये वहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ये आपकी 19 मार्क्स की जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है।